तो भाई लोग कैसे हो आप सभी एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं मैकरीना की टॉप 5 क्विक प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो आपका गेम प्ले काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। अभी मजा आएगा ना वीडियो, और ये बिल्कुल लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। आप दोना, आप दोना। तो बिना देरी के जल्दी से चलते हैं वीडियो के अंदर। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपने जिन जिन कैटेगरी के पायलट ले रखे हैं आप उनके ऊपर इम्प्लांट भी उसी कैटेगरी के लगाओ, क्योंकि मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मेजर को बाय करते हैं जो कि असोल्ट वेपन का डैमेज इंक्रीज करता है, और उसके ऊपर वो मिसाइल रैक के एपिक इम्प्लांट लगा देंगे और उसको अटैच भी मिसाइल रैक के मैक के साथ कर देंगे। तो ये आप बहुत गलत करते हो। प्लेयर्स को लगता है कि ये असोल्ट का डैमेज इंक्रीज करता है तो कितना ही कर देगा डैमेज इंक्रीज, थोड़ा सा करेगा। नहीं यार, बहुत ज्यादा डैमेज में आपको डिफरेंस नजर आएगा अगर आप उस पायलट के ऊपर उसी कैटेगरी का इम्प्लांट लगाओगे और उसी मैक के साथ अटैच करोगे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो एक दफा आप ट्राई करो, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। तो बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तो टिप नंबर 2 ये है कि अपने हैंगार में कम से कम 3 या फिर 2 ऐसे मैक रखो जिनको आपने अच्छे से अपग्रेड दिया हो और उनके ऊपर अच्छे से पायलट लगाए हो। खासकर न्यू प्लेयर्स वो क्या करते हैं कि अपने पूरे हैंगार में किसी एक मैक को उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैंथर को ले लेते हैं, और उसी पे अपने सबसे ज्यादा एकोइंस लगाएंगे, उसी पे बेस्ट पायलट लगाएंगे, उसको ही बेस्ट अपग्रेड देंगे, और हैंगार के बाकी मैक से उनका कोई लिंक ही नहीं है, वो बस उन्होंने काम चलाओ रखे होते हैं, और वो अपनी बैटल में मोस्टली फिर उसी मैक्स को यूज करते हैं जिसको उन्होंने मैक्स अपग्रेड दिया, और अगर वही उनका मैक एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है मैच के स्टार्टिंग में ही तो वो बिल्कुल ढीले से पड़ जाते हैं और फिर उनके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर ओपोनेंट टीम में रियल बंदा होता तो वो इसी बात का फायदा उठा के उन्हें भगा भगा के मारता है। तो इसलिए आप अपने हैंगार में कम से कम 2 ऐसे मैक्स रखो जिनको आपने अच्छे से अपग्रेड दिया हो, और ज्यादा से ज्यादा आप 3 कर सकते हो, बाकी नॉर्मल रखा करो, क्योंकि उसे होगा ये कि अगर मैच की स्टार्टिंग में अगर आपका वही मैक डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आप ढीले नहीं पड़ोगे, आप अपने उन 2 मैक्स से कुछ ना कुछ कर लोगे। तो इस टिप को भी जरूर से फॉलो कर लेना। तो अब बारी है टिप नंबर 3 की। तो टिप नंबर 3 में आपको यही कहना चाहूंगा कि आप रॉकेट मोटर 12 को ज्यादा से ज्यादा यूज करो और उसको अच्छे से अपग्रेड दो, क्योंकि यार मानो ना मानो रॉकेट मोटर आपको बहुत ज्यादा आपके हेल्प करती है आपके मैचेस को विन करवाने में, फिर चाहे वो TDM हो, CPC हो, 5v5 हो या 2v2 हो। 2v2 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसमें एनिमी क्लोज रेंज में होता है, बाकी रॉकेट मोटर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके मैच के अंदर। तो मैं आपको यही कहूंगा कि रॉकेट मोटर 12 को लो और उसको अच्छे से अपग्रेड दो और उसके ऊपर अच्छा सा पायलट अटैच कर दो। तो बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 ये है कि जब प्लेयर्स मैच को स्टार्ट करते हैं और अगर ओपोनेंट टीम में कोई रियल बंदा उनको दिख जाता है तो सारी दुनिया के एनिमी को छोड़ के हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएंगे, जैसे कि पता नहीं उसके साथ जन्म जन्म की दुश्मनी हो, यानी और किसी को देखेंगे नहीं, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, इवन उसको मारने के लिए एनिमी के बेस में घुस जाएंगे, जिससे होता यह है कि आप ओपन में आ जाते हो और एनिमी तो कवर में होता तो वो इसी बात का एडवांटेज लेके आपको इजिली फिनिश कर देता, आप उसको तो मार नहीं पाते, अपना मैक डिस्ट्रॉय करा देते हो। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ओपोनेंट टीम में कोई रियल बंदा मिल भी जाता है तो आप उसके पीछे ना पड़ो, बोट्स को मारने में आप अपना ज्यादा टाइम दो। तो बात करते हैं टिप नंबर 5 की, और ये बोनस टिप है। अगर आप इस टिप को मास्टर कर लेते हो ना तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हर मैच में 95% चांस है आपके MVP होने के, फर्स्ट MVP होने के और विक्ट्री होने के। और वो है कवर एंड फाइट। अब कवर एंड फाइट से मेरा मतलब यह है कि आप मैच में कोई ऐसी जगह ढूंढ लो हर मैप में जहां से आप कवर भी ले सको और साथ ही साथ फाइट भी ले सको एनिमी के साथ। उससे होगा यह कि आप फाइट भी ले सकोगे और बचने के लिए कवर में भी आ सकोगे। अब भी अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपका गेम प्ले तो बहुत ज्यादा गंदा जाएगा, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका गेम प्ले इतना अच्छा हो जाएगा कि अगर ओपोनेंट टीम में कोई रियल बंदा भी आ गया ना और उसने आपको देख भी लिया तो उसके आपके एक मैप को भी डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कवर से निकलोगे नहीं, आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए कवर से बाहर निकलोगे, एनिमी को फिनिश करके फिर से आओगे। आपने किल निकालने के पीछे जल्दबाजी नहीं करनी, और अगर आप इसको मास्टर कर लेते तो मैं अभी लिख के देता हूं आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो हां गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करो, प्लीज क्या चुपचाप लाइक करके जाओ, आपको पता कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नहीं और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब करो, नहीं आया तब भी करो। अबे साले, मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।